लिपस्टिक लगाने के बेहद शौकीन हैं तो जरा एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लिपस्टिक से जुड़े कुछ ऐसे सच, कुछ ऐसे राज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ जो शायद आपको हैरान कर देने वाले हैं, आपको परेशान कर देने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हूँ। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, आपको अगर ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद नॉलेजेबल लगती है, हेल्पफुल होती है अगर आपको वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। सो बिना किसी हर महिलाओं की जान होती है और कोई भी मेकअप लुक हो लिपस्टिक के बिना अनकम्प्लीट होता है। लिपस्टिक एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो हमारी ब्यूटी को इनहेंस करता है, हमारे मेकअप में चार चांद लगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यहाँ आता है कि क्या जिस लिपस्टिक को हम अपने लिप्स पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या यह हमारी बॉडी के लिए सेफ है, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए सुरक्षित है या नहीं, कहीं इसके कुछ दुष्परिणाम तो नहीं। जी हाँ, शायद आप ये भूल जाते हैं कि जिस लिपस्टिक को हम यूज़ कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट में क्या क्या है, शायद हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं करते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे कैलिफोर्निया की एक स्टडी में, रिसर्च में पाया गया है कि आज जो लिपस्टिक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जहर है। शायद आपको सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी, आपको अचंभा लग रहा होगा, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है। अब इस स्टडी में क्या क्या रिसर्च की गई है, क्या क्या लिपस्टिक के बारे में खुलासे हुए हैं, वो ही आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना किसी स्किप के। तो कैलिफोर्निया की स्टडी ग्रीन साइंस रिसर्च पॉलिसी में ये माना गया है, ये दावा किया गया है कि जिस लिपस्टिक को आज हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे टॉक्सिक केमिकल भर भर के मात्रा में मिलाए जा रहे हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। और जब भी बात आती है टॉक्सिक केमिकल की तो वहां पर सवाल आ जाता है हमारी हेल्थ का, क्योंकि कोई भी लिपस्टिक अगर आप अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी जीभ से हमारे टच होकर हमारे डायरेक्ट पेट में जाती है। और इस पॉलिसी में सबसे हैरान कर देने वाले ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो शायद हमें बहुत आज सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि महिलाएं एक साल में, यानी कि हम लड़कियां कहीं बाहर भी जाना हो या पार्टी में भी जाना हो तो भी हम लिपस्टिक को कम से कम 5 से 6 बार उसको रिगड़ते हैं, अप्लाई करते हैं। और इसी तरह से हम इस लिपस्टिक को साल भर लगाते हैं और इस दौरान हम कम से कम 30 से 40 ग्राम की जो लिपस्टिक होती है अपने पेट में खा जाते हैं। सुनकर बहुत ज़्यादा, जब मैंने भी इसके बारे में रिसर्च की, जब मुझे पता चला तो शायद मुझे बहुत हैरानी हुई। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या हम लिपस्टिक लगाना बंद कर दें? ले, ऐसा तो हो नहीं सकता, लिपस्टिक भाई मेरी जान है। आपको भी लिपस्टिक पसंद है, आई नो, कोई भी मेकअप हो, कोई भी महिला हो, हर लिपस्टिक हर लेडी को पसंद होती है। लेकिन अब मेकअप बंद कर दे, लिपस्टिक ना लगाए, ये तो कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन ज़रूरी है कि हम अवेयर रहे, किन ब्रांडों, कौन सी ब्रांड सेफ है और कौन सी ब्रांडों से हमें बच के रहना है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो के आगे मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर कौन सी लिपस्टिक की ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा सेफ है, जिसके ऊपर हमें जाना चाहिए, और कौन सी ऐसी ब्रांड है जो अपने हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए हमें कुछ भी मनचाहा जैसा रसायन पदार्थ, मनचाहा जैसे टॉक्सिक केमिकल हमें हाथों में थमा रहे हैं और हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर लिपस्टिक का प्रोसेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं, और जो ये ग्रीन साइंस पॉलिसी कैलिफोर्निया की स्टडी हुई है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। जब इस स्टडी के बारे में रिसर्च हुई थी लिपस्टिक को लेके, तो वहाँ पर पाया गया था कि हमारी लिपस्टिक में जहर है, हमारे लिपस्टिक में एक ऐसा जहरीला पदार्थ मिलाया जा रहा है जो कीटनाशक दवाइयों के रूप में काम आता है, जानवरों को मारने के काम में आता है, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल है जो कीटनाशक दवाइयों के रूप में काम आता है। सोचिए, इतना घातक, इतना टॉक्सिक केमिकल हमारे लिपस्टिक में मिलाया जाता है। और जब हम लिपस्टिक को अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं, सीधा हमारी जीभे हम उस पर चाटते रहते हैं, न जाने कितनी बार हम अपने लिप्स पे अपने जीभ को टच करते हैं, तो सीधा वो अपने लार्वा के थ्रू हमारे पेट में जाती है वो लिपस्टिक। तो बहुत ज़्यादा अवेयर होने की हमें ज़रूरत है। और फ्लोरीन के साथ साथ जब आगे जैसे आगे और भी खुलासे हुए थे गए, तो वहाँ पे पाया गया कि लिपस्टिक के कुछ ब्रांड ऐसी हैं, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि सारी ब्रांड ही ये टॉक्सिक केमिकल यूज़ कर रही है, 70% जितनी भी ब्रांड है ये टॉक्सिक केमिकल यूज़ करती हैं, 30% ब्रांड को यहाँ पर बिल्कुल सेफ कैटेगरी में रखा गया है। तो उनमें पाया गया है लैड। लैड एक ऐसा टॉक्सिक केमिकल है जो कि शीशे को बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में बना के जो लिपस्टिक का पेस्ट होता है उसमें मिलाया जाता है। हम जितनी भी लिपस्टिक की शेड देखते हैं ना,
हम जितनी भी लिपस्टिक में जो चमक देखते हैं, जिसे प्रेजेंट किया जाता है, जिसको देखते ही हम तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सिर्फ इस टॉक्सिक केमिकल का कमाल है, जादू है और कुछ भी नहीं है। तीसरा, इस लिपस्टिक में पाया गया है मेटल क्रोमियम। मेटल क्रोमियम का काम क्या होता है, और कैडमियम, इसके साथ में ही कैडमियम भी टॉक्सिक केमिकल पाया गया। इन दोनों टॉक्सिक केमिकल का काम होता है, जरा एक बार सोचिए, आज जितने भी ये ब्रांड है, ये एक रेड कलर की जब बात आती है तो इतने सारे शेड निकाल देती है, पर्पल कलर की बात आई तो इतने सारे शेड निकाल दिए, तो आखिर कलर एक ही है लेकिन उसके इतने सारे शेड कैसे निकलते हैं। तो जो ये दोनों टॉक्सिक केमिकल होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, उस अकॉर्डिंग रखी जाती है कि एक ही कलर के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हमें मिलती जाती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम ना हमारे लिपस्टिक में बल्कि हमारे हेयर प्रोडक्ट में, हमारी हेयर क्रीम्स में भी भर भर के मात्रा में मिलाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, हमें यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मेकअप भी सही तरीके से अपना चलता रहे, मेकअप हमारे शरीर पे भी कोई प्रभाव ना पड़े, हमारी क्योंकि किडनी पे भी कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये जो टॉक्सिक केमिकल है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हमारी किडनी, हमारे पेट, हमारा ब्रेन, और जो हार्ट अटैक की बीमारी आज बढ़ती जा रही है ना महिलाओं में, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी है, लेकिन हम इन सब बातों से अनजान होते हैं। अब बात आती है कि आखिर यहाँ पर कौन सी ब्रांड सेफ है और कौन सी ब्रांड को हमें स्किप करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आज आपको दो कैटेगरी में अपने ब्रांडों को रख रही हूँ। कैटेगरी फर्स्ट में हम उन ब्रांड को रखेंगे जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे शुगर, मेबलिन, ब्लू हेवन, वेट एंड वाइट, रेवेलॉन, और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाती है जो पॉपुलर है, जो अभी तक आप और मैं यूज़ कर रहे हैं, कैटेगरी फर्स्ट में वो आती हैं। बात करते हैं कैटेगरी टू की। कैटेगरी टू में लिखा गया है जितनी भी हर्बल्स जो ब्रांड होती हैं, वो हर्बल्स में यहाँ पर जस्ट हब की जो अभी लिपस्टिक चल रही है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, प्लम हुआ, ममा अर्थ को यहाँ पे कैटेगरी सेकंड में रखा गया है, परिवार, अर्थ लव, तो इस तरह से बहुत सारी मेरे माइंड से भी मिस हो रही है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, मैं कोशिश करूँगी वहाँ मैंशन करने की आपको उनके नाम, या फिर आप जाइए, आप गूगल पर जाके भी वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी लिपस्टिक हर्बल में आती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन एक यहाँ पर ये भी आ जाता है कि मार्केटिंग कंपनियाँ इतनी चालाक है कि ये अपने जो प्रोडक्ट हैं टॉक्सिक केमिकल जिनमें भर भर के मिल रहा है, उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी पैकेजिंग, उनकी जो इंग्रेडिएंट इस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे हैं अपने ब्रांड के लिए, प्रमोशन के लिए, कि एक बार देखने में हम उनको हर्बल समझ बैठेंगे, लेकिन हकीकत उनकी असलियत कुछ और होती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि सारी जितनी भी हर्बल ब्रांड है वो गलत है, कुछ हर्बल ब्रांड यहाँ पे बिल्कुल सही भी हैं, लेकिन हम जैसे जो मीडियम क्लास फैमिली के लोग होते हैं सिर्फ इतना सोच जाते हैं कि शायद जो ये हर्बल ब्रांडें होती हैं बहुत महंगी होती हैं। मैं आपसे एक चीज़ आज ये कहना चाहूँगी, भले ही आप 2 रुपये महंगी चीज़ खरीद लीजिए, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदिए जो आपको ब्यूटी के लिए भी अच्छा हो, जो आपके लुक को भी इन्हेंस करे, लेकिन उसके साथ दूसरी हमारा जो एक मेन चीज़ है, हमारी बॉडी, हमारे पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट के लिए भी हार्मफुल ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको ये मैसेज देना नहीं चाहती कि आप लिपस्टिक लगाना छोड़ दो, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। आप कोई से भी लिपस्टिक खरीदिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, सही जानकारी प्रोवाइड करवाना मेरा काम है, लेकिन आप कोई भी ब्रांड को अगर आप ले रहे हो, कोई भी परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करें, उसकी वेबसाइट, गूगल पे जाके, या फिर कहीं पे भी जैसे आपको सही लगता है उठ के प्रोडक्ट को चेक करें, बिना किसी जांच पड़ताल के प्रोडक्ट ना खरीदें। अदरवाइज जो अभी तक आप प्रॉब्लम झेलते आ रहे हैं, शायद आप इसी का शिकार होते रहेंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या मैसेज देने वाली हूँ, क्या मैं जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपको और भी लिपस्टिक से रिलेटेड इस तरह की कोई वीडियोज़ देखना चाहते हैं या फिर ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बस छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा अभी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी मेहनत को पहचानने की कोशिश कीजिए। कोई कमी है मेरे कंटेंट में तो नीचे मुझे सजेस्ट करिए, मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और मिलते हैं फिर किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।